कुसमी विकासखंड के ग्राम पंचायत सबाक के प्राथमिक शिक्षक रंजित बड़ा ने 6 साल के छात्र को डस्टर से मार दिया है, जिससे छात्र के सिर पे गंभीर चोट लग गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर को शिक्षक ने छात्र को मारा था, जिसकी शिकायत छात्र शिवनंदन कुमार यादव के अभिभावक उमेश यादव ने कुसमी विकासखंड शिक्षा अधिकारी से लिखित रूप आवेदन के माध्यम से की गई है। छात्र शिवनंदन यादव के सिर में गंभीर चोट लगने से विगत रात्रि समय रात भर सिर में दर्द एवं बुखार था, जिसके इलाज के लिए सबाक से कुसमी 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे का इलाज उनके पिता उमेश यादव द्वारा कराया जा रहा है। अपना शुभ नाम बताइएगा, आपका शुभ नाम क्या है? उमेश यादव। कहाँ से रहने वाले हैं? सबाक। क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ? एक बच्चे को कल जब स्कूल गया था प्राथमिक शाला सबाक में, हाँ, तो गुरुजी ने डस्टर चलाकर इनको सिर पे मार दिया, सिर कट गया। कौन से गुरुजी हैं वो? रंजीत बड़ा। तो बच्चे शिक्षक है। तो बच्चे को क्या परेशानी हुआ रात में? बच्चे को परेशानी सुबह की दर्द चोट हो गया और रात भर बुखार था, दर्द बहुत भयानक था, रात भर बच्चा सोया नहीं। तो अभी आप क्या कराने के लिए आए हो? उसमें इलाज कराने के लिए आया। तो आप क्या चाहते हैं शासन से? शासन से मैं कहता हूँ कि ऐसे शिक्षकों के ऊपर जो है कि कार्रवाई होना चाहिए। क्या हुआ था बाबू? आपका शुभ नाम बताइएगा, क्या नाम है? शिवनंदन यादव। पिताजी का नाम? उमेश यादव। क्या हुआ था आपके साथ? कल मैं स्कूल गया था, सर डस्टर चलाकर मार दिया। कहाँ चोट लगा आपको? सिर पर। तो रात में क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं थी? बुखार धरा था, रात में सोया नहीं था। तो अभी कहाँ कुसमी आए हैं इलाज कराने? उसमें हॉस्पिटल में इलाज कराने। तो आप ये चाहते हैं कि गुरुजी पर कार्रवाई हो? जी जी, ऐसे शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। छोटे बच्चे को जो मारपीट किए हैं, जो कि 6.5 साल का बच्चा है, दूसरी कक्षा दूसरी में पढ़ता है। बच्चा का क्या नाम है? शिवनंदन यादव। और आपका शुभ नाम? उमेश यादव। सबाक से रहने वाले हैं? जी जी, ग्राम पंचायत सबाक। ठीक, धन्यवाद।